35,000 के ये कितने ग्राम के? ये आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा बताओ कहाँ ही हो सके चाहे आपके लिए? भैया ऊपर बैठ गया तो आप उसको गाड़ी चलाने नहीं दे रहे थे ना इसलिए बैठ गया, तब उसको मजा आ रहे हैं। किसी कर दो दोनों बच्चे रेडी हो गए नहा धो के, किसी कर दो भैया को। वाह ये रिद्धि तो बहुत अच्छा है, फिर उसकी गोदे उसकी गोदे में बैठ गया। मगर रानी साया जी रान देखो दोनों टीम रान। रिद्धि कौन आया है? रुद्धु घर में रौनक हो जाती है, त्योहार त्योहार लगता है, इनके बिना सब कुछ सुना है। तो बस मैं ऊपर रेडी हो रही थी और अभी जा रही हूँ, तो अब जाऊंगी नीचे, उसके बाद हम जा रहे हैं अब ज्वेलर के मम्मी का सरप्राइज लेने। और धनतेरस से बहुत सारी चीजें लेके आते, झाड़ू नमक और भी बहुत सारी चीजें, वो सब भी लेके आएंगे घर का। तो चलो पहले नीचे चलते हैं ना। और अभी हम लोग जा रहे हैं ज्वेलर के, पहले सुनार के जाएंगे, उसके बाद हम मार्केट जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ घर का सामान लेना है ना रिद्धु? मोस्ट इम्पोर्टेंट आज हमारे घर में आएगी लक्ष्मी है, लक्ष्मी लक्ष्मी तो खैर नो सभी के घरों में आए भगवान। आज घर पे सरप्राइज लक्ष्मी जी आएंगे क्योंकि आज आ रहा है मम्मी का सरप्राइज गिफ्ट। काल में मैंने कन्नू ने और निकू ने दोनों ने फोन करया, जी ही व्लॉग डाले ने दोनों ने फोन करया, मैंने कहा थे चने बोल मद्दी जो कड़ा फोन कर गया हो वो मम्मी आपके सोना को गिफ्ट आ रही हो चे जरा, फिर बोले हाँ, वो बोले चौको ये तू बता दियो नहीं तो मैं तो फोन करती है बाहर। हाँ कन्नू बोली बोले चौको तो तू मैंने फोन कर दियो नहीं तो मैं सबसे पहले करती फोन बाहर। फिर चलो कोई बात नहीं, पर आज फाइनली बाहर दे वाला मम्मी ने और होपफुली मम्मी ने अच्छा लगा लो। रुद्र हमारा सो गया अभी जस्ट, वैसे भी वो क्या सुबह जल्दी उठ गया था शायद 7:30 बजे है ना, तो उसका सोने का टाइम हो गया। रिद्धि भाई से उठे या 10 बजे थे? 10 बजे उठी है, 9:30 बजे उठ गई थी, 10 बजे 10 बजे उठी थी। हाँ। तो फिर अभी ये कहाँ से सोएगी मैडम, 10 बजे उठी है, अभी 11:30 हो रहे हैं। तो बस आलसी बेटी है, बेटी आलसी होती है, सारे मजाक एक्टिव हो जाती है ना। तो हम लोग
चांदनी ज्वेलर्स के हम लोग बैठे हुए तो तेरे को भेजेगा वो। हाँ तो भेज देंगे तो बोल तो ये है एक राम दरबार की ये छोटी थी अभी हम लोग क्या मतलब ज्वेलरी तो हम उस दिन पसंद करके चले गए थे मम्मी के लिए हमने दो तीन चीज़ें ली हैं चांदी में भी ली हैं गोल्ड में भी ली हैं तो वो सब तो पहले से ऑलरेडी पैक है पैसे दे गए थे और अभी हमको सीताराम जी की मूर्ति चाहिए चांदी की हमारे मंदिर में विराजमान करने के लिए तो वो हमने पसंद नहीं की थी भैया ने बोलता उसी दिन देख लेना तो बस हम वो पसंद कर रहे हैं उसके बाद अपने घर लेके देंगे है ना राम दरबार हाँ है ना दीदी ये हमारी दीदी दरबार ये वाले पसंद किए ये वाले हमें ये वाले भी पसंद थे हमने लास्ट टाइम देखे थे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था बट ये भी अच्छे भैया ने भी नए दिखाए पर ये वाले अच्छे लग रहे हैं ना ये थोड़े बड़े भी हैं इसमें बाजोट मतलब इसमें जो स्टैंड है ना नीचे वाला बाजोट है ना तो ये अच्छी है इसमें तो ये वाले हमने सीताराम जी फाइनल किए हैं और ये है 350 ग्राम के चांदी के हैं प्योर ऑक्सीडाइज वाली है तो ये अच्छा लुक आता है प्योर मतलब वैसे चांदी का मिल जाएगा तो चांदी वैसे ब्लैक होती है तो ये ऑक्सीडाइज वाली है चांदी के फाइनल किए हैं सीताराम जी और जो मम्मी का है ना वो सब अभी घर जाके आप लोगों को तो ये रही हमारी शॉपिंग हो गई और अब चलते हैं घर है ना छोटू यहाँ कैसे खड़ा मैं ऐसे खड़ा अच्छा तो मैं आ गई हूँ मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं मैं देख रही हूँ क्या लूँ क्या नहीं लूँ तो मैंने सारा सामान ले लिया घर का तो मैंने सब लिए पिछले बार भी हमने अंकल से दो तीन की हेल्प की थी हमेशा यहीं रहते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है ना सब जगह तो मैंने सारी शॉपिंग कर ली घर का सामान ले लिया और अभी मैंने एक अंकल से दिए लिए हैं जिनसे हम लास्ट टाइम भी लिए थे दिए लिए हैं बत्तियाँ लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें ली हैं उनसे मैंने तो मैं बैठी हूँ ये घर से ले गए थे रिद्धि को लेकर क्योंकि उस टाइम 2:30 बजे तो मैंने कहा आप घर चले जाओ रिद्धि को खाना वाना भूख लगेगी तो अब मैंने इनको फ़ोन कर दिया और अब बज रहे 4:30 तब से शॉपिंग कर रही हूँ अभी भी कुछ चीज़ें रह गई तो मैंने बोलिए आप आ जाओ मैं इतना सामान लेके नहीं घूम सकती हम लोग क्या मैं तो अभी आई हूँ तब हम मम्मी को दिखा रहे हैं वैसे इसमें से मम्मी ने कुछ चीज़ें देख चुकी है जैसे सीताराम जी देख लिया मम्मी आपने अच्छा लगे ना मम्मी मम्मी सब देख लिए नहीं दिखाई मम्मी कौन दिखाई ना मैं दिखाई भाई झूठ भी बोलूंगा अच्छा ना मम्मी सीताराम जी तो आपने ब्लॉग नहीं लिया जब दिखाया हैं तब ब्लॉग नहीं लिया था नहीं मम्मी आज सीताराम जी हमारे घर आ गए हमारी बड़ी दिली इच्छा थी कि सीताराम जी की चांदी की मूर्ति हम लेके आएंगे और फाइनली हम ले आए लग गए क्या अच्छे लग रहे हैं ना हनुमान जी है ये सीता मैया पर्वत नहीं है फल फ्रूट है शायद मम्मी नहीं फल फ्रूट है अनानास केला है फल फ्रूट है फल फ्रूट रखे हैं क्योंकि चौपाई कितनी नीचे की जो तख्ती है वो कितनी बढ़िया है अच्छा लग रहा है ना फाइनली सीताराम जी आ गए पर हम इनकी स्थापना भी मंदिर में नहीं करेंगे मम्मी के लिए दिवाली के दिन करेंगे मम्मी हाँ गंगा जल से नहला के और हम लाए थे ये मम्मी के लिए पाजे मम्मी सुंदर है ये ली थी हमने मम्मी के लिए पाजे दिखा दी मम्मी बकरी बार सुंदर है अच्छी है ना ये वाली ऐसी है तो पैर ले दो बार राधा अंतर पैरों मम्मी पैरों पैरा ही पैरा मम्मी पैरों मम्मी पैर करो आगे ये भारी भी है मम्मी है नहीं एक आपकी डाम डाम पैर डाम तो यार मम्मी आपके गोरे गोरे पैरों में कितनी अच्छी लग रही है और कहीं गोरा हो मम्मी आप बिल्कुल दिखा जाओ मम्मी वाह यार मस्त वाओ मम्मी 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 कौन सी लोग आई लव यू तीन जोड़ी लाई हूं देखो मम्मी
मम्मी आप बोलो आई लव यू टू। देखो तीन जोड़ी लाई हूँ, आपको कौन सी पसंद है वो रख लो। मैंने छोटी दे और एक ये है, देखो ये तीन जोड़ी लाई कौन पे रुला मैं ये वाली। हाँ ये दिखा काली दिखा, मतलब ये भी चांदी में पर वही ये ब्लैक मेटल वाली अच्छी लगी है। हाँ ये तो ईद में। हाँ ये बढ़िया है। मतलब मम्मी कितने के हैं, कितने के हैं ये? 33,000 के पड़े हैं हमें। हाँ 33,000 के ये कितने ग्राम के? ये है 350 के लग, 350 से ज्यादा के हैं। मतलब 350 से ज्यादा ग्राम के हैं और 33,000 के पड़ेंगे हमको। अच्छा ना भाई, हमने सोचा यार हमेशा खुद के लिए ऊपर खर्चा करते हैं, आज जब भगवान हमारे घर आ रहे हैं तो उनके लिए क्यों सोचना है ना। तो हमें वैसे वो दूसरी वाली भी बहुत पसंद थी बट वो छोटा साइज था इसलिए हमने नहीं ली, ये थोड़े से मतलब ठीक है, बड़ा साइज भी है, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं और हैवी भी काफी है ये। हां है ना सुंदर। अब ले मम्मी आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट। मम्मी सरप्राइज, मम्मी आपकी सरप्राइज गिफ्ट, आपकी दो अंगूठियां चांदी की अंगूठी। देखो एक तो छल्ला लेके आई थी। हाँ, कर लो ठीक है। और एक ये मेरे को तो यही समझ आई है कि डमरू, ये बोले मम्मी मम्मी शिव जी की भगत है जो मन का ओम की ले चाल। इसमें तो नहीं आई, मैं अपने अंदाजे से ले आई, ये इसमें आई। हिंदी का माया नहीं है, कब माता रानी की कृपा सु, मेरी मम्मी का आशीर्वाद सु, मम्मी का सहयोग सु, मैं मम्मी के लिए एक सरप्राइज ले आया था। मम्मी 1 2 3 ये आपके लिए है, ये आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा बताओ कहीं हो सके आपके लिए? नहीं फिर भी मम्मी आईडियो लगाओ कहीं हो सके, मतलब आपके लिए सरप्राइज ले रहे हैं जब। चेन पेरो ला कानो के झेले लाए मम्मी। हां कानो के तो कोई बात नहीं, चलो ले खोलो मम्मी, आप ही अपने हाथ से खोलो इसको। हैं हैं अब मम्मी मम्मी बाहर ढूंढ रही है मम्मी साइज में मेरा लाइयो। देखो मेरे क्योंकि आपकी और मेरी चूड़ियां ना एक एक सारी आती है तो इसलिए आराम से। अरे वाह मम्मी क्या लग रहे हो थू थू। हाँ भाई मम्मी लगी मम्मी, मम्मी ये कर दिखाओ तो आतन तो मम्मी के लिए ये वाले लिए थे हमने, ये शेर के मुंह वाले। ये क्या एक तो मतलब घर में आराम से पहन सकते हो, चलते खूब है, नगी नगी ने वाले क्या थोड़े से वो रहते हैं। शेर को मुंडा जाएगा हाथी का जे हाथी का है हाथी है शेर नहीं हाथी है मम्मी शेर है शेर को नहीं हाथी है शेर नहीं हाथी की तो आते हैं अपने अच्छे लगे मम्मी बदलवाने तो बता दे मैं बोला नहीं पसंद होगी मम्मी को तो वैसे तो मैं पैसे दिए ही थी उसको कितने के 1.5 तोले के सवा तोले के ये लगभग। हाँ सवा तोले के तो ये 80,000 के करीब बढ़िया है मस्त है मम्मी मजा आ गए जीवन का आनंद आ गया। नहीं मम्मी दूसरी चीज आप बता देना दूसरी भी ले आऊंगी सिंपल सोबर है मम्मी यानी सिंपल बढ़िया लग रहा है मम्मी ये हाथ में कितने सुंदर लग रहे हैं ना गोरा आता कमान चौक लग रही है अभी ब्याह में जाएगी तो मम्मी पहन के जाएगी मम्मी ऐसे डेली पहन लिया करो आप तो डेली पहन लूं ये कह रहे ऐसे घूम हो जाएगी कोई निकाल लेगा मैं तो कानों में थोड़ा पहन रखे हैं गले की चेन है कोई छीन के बांध देगा हाथ में तो कोई नहीं ले हाथ में थोड़ी काट लूंगा हाथ और ये तो इतना मजबूत है कोई इनसे खींच भी नहीं सकता इधर खींच लेगा मम्मी आपके साथ में सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा इसकी तरफ से था हमारी तरफ से मम्मी अपने बेटा बहू की तरफ से कैसा लगा आपको बहुत अच्छा लगा टॉप। हाँ भाई मम्मी कैसा लगा अच्छा लगा आनंद
मेरी मम्मी का फूटा लाग रहा है मम्मी अगर खाली चूड़ी पहरे ऐसे पहरे तो फिर तो अलग ही दिखाई है ना खाली एक एक भी पहन लो ये पहनने वाली तो हाथ लंबा है ना पर अच्छा लाग रही है अच्छा लाग रही है देखो मम्मी का सामान दिखा रही हूँ ये तो मम्मी वो है रंगोली बनाएंगे रंगोली के लिए लाई हुई जाली सी इस पे कलर पटकने से ना रंगोली बन जाती है शुभ लाभ ये सब लेके आई हूँ ये बादाम हो गए ये देखो अपने मंदिर के लिए माला लेके आई हूँ मंदिर में साइड में लगाएंगे है ना सुंदर है ना देखो सफ़ेद अच्छी लगेंगी सिंपल सी सफ़ेद ही हो हाँ सफ़ेद और ये कानों की ड्रेस लाई हुई दिवाली में पहनेंगे कान्हा जी है ना एक ये लेके आई हूँ ये वाली 275 की दी उसने इतनी महंगी ये वाली 275 की है और ये वाली 80 रुपए की है तो छोटी मुकुट लाई हूँ कानों के लाई हूँ और गले का लाई हूँ ये बादाम हो गए ये तो कान्हा जी की ड्रेस रखो लेके आई थी काजू बादाम पिस्ता ये वो ये मोमबत्ती लेके आई ये तो आप लेके आना कुमारी भाई आएगी आप ये तो वैसे आर्टिफिशियल वाले वो एक बूढ़े बाबा बैठते हैं वहाँ पे वो उनकी बॉडी नहीं हुई थी तो फिर मैंने ले लिया ये दो फुलझड़ियाँ बच्चों वाली ये लो आपकी बत्तियाँ दो पैकेट बत्तियों के लाई हूँ उसमें 60-60 है और ये बच्चों के लिए ये पता नहीं क्या होता है ये वाली मोमबत्ती देखो ये वाली है अरे हाँ ये नीचे ऐसे फेंक गए फिर फूट गई है चल यहाँ कचरा मत कर वो देखो कचरा हो गया उसका तो मैं बहुत सारा सामान लाई मैंने मम्मी को दिखाया रसोई का ये मैं रंगोली के लिए ये भी लेके आई ताकि भी खोली और मैं ये डब्बे लेके आई हूँ देखो दिखाती हूँ मतलब वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए तो मैं इस पर्पस ले ड्राई फ्रूट रख लो और बाद में अपनी रसोई में भी काम आ जाएंगे ये वैसे भी रख सकते हो जैसे कभी गेस्ट आते हैं ना नमकीन बिस्किट के लिए तो ये 4 का सेट के लिए देखो दिवाली की ड्रेस मंगाई ये बहुत सुंदर है हाँ बिट्टू क्या हुआ भाई खा गया कोई बात तो नहीं। मैंने रिद्धि के लिए ना 2-3 रुद्र की तो ड्रेसेस मैंने मंगाई थी तो 2 ड्रेसेस आगे कुर्ते पजामे और उस पर जैकेट है और रिद्धि के लिए मैंने ड्रेसेस 2-3 मंगाई थी कि भाई साइज का पता नहीं तो अलग अलग ब्रांड का होता है सारी मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाई है रिद्धि रुद्र के लिए तो रिद्धि के लिए एक मैंने 2 ही मंगाई थी पहले तो एक जो कल आई थी और वो इतनी छोटी आ गई मैं आपको क्या बताऊँ मतलब वो रुद्र की भी छोटी रहेगी उसकी पजामी ऐसी थी तो वो ये कि हमेशा इससे एडवांस में मैं एक्स्ट्रा कपड़े मंगाती हूँ अब रिद्धि की एक ड्रेस अब ये आई है तो कल वाली तो मैंने वापस रिटर्न कर दी तो मैं इसलिए मंगाई थी कि देख लूंगी जो साइज सही आएगा जो नहीं आएगा रिटर्न कर दूंगी तो ये वाली इतनी सुंदर ड्रेस है आपको शायद वीडियो में इतनी सुंदर नहीं दिख रही होगी बहुत प्यारा काम है देखो इसका इस पे ऐसे थ्रेड वर्क है बंदेज की है इस तरीके उसका लेस भी ऐसे मतलब वो लो क्वालिटी वाली लेस नहीं बहुत सुंदर वाली लेस है अच्छी देखो ये और लास्ट टाइम आप लोगों ने पूछा था और इसके साथ ना ये वाली पजामी है इस तरीके से और लास्ट टाइम मैंने मेरी रिद्धि के लिए जो ड्रेस मंगाई थी ना दिवाली पे आप लोगों को ध्यान हो व्हाइट कलर की इसी टाइप में थी थोड़ी सी बट वो पूरी ना ऑफ व्हाइट कलर की थी तो आप लोगों ने पूछा था कहाँ से तो वो भी मैंने फर्स्ट क्राइ से ली थी और वो भी सेम इसी ब्रांड की थी टिबर टाबर हाँ शायद टिबर टाबर ये इसका नाम जो भी है और अभी मैं सारी चीज़ें रख रही थी तो मम्मी ने बताया रवि आया था मतलब मेरा भाई आया था तो रवि लेके आया था स्वीट्स और ये खेल खिलारे लेके आया था और इसमें है मोती चूर के लड्डू मुझे बहुत पसंद है मेरे से ज्यादा मतलब मेरे को पसंद है पर मेरे से ज्यादा इनको और मम्मी को पसंद है हाँ अपनी लाइट जल जाएगी तो नहीं बारे लड्डू तो मम्मी आज एक ही जलता है धनतेरस पे तो घी का तेल का तो आज धनतेरस पे हमारे एक दिया जलता है और ये आटे का लोई का दिया बना के और इसमें तेल डाला है मम्मी ने और इसके 4 इस तरीके से वो करते हैं 4 मुंह बना के और इसको रखते हैं तो हमारे मंदिर में सिर्फ एक सीताराम जी की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी भगवान चलो आ जाओ बाहर आ जाओ चलो मम्मी ने रख दिया यहाँ दिया एक ही आज एक ही रखते हैं और एक मंदिर में जलेगा ना नहीं बर्त दिया बत्ती करा यहाँ बंद कर दो तो ये हमारी लाइटिंग जल गई आज हमारे सामने वालों ने भी जला दी अब थोड़ा सा लग रहा है दिवाली का माहौल
कॉलोनी में जो ने और लगा दी, एक उधर भी गर्मी किसी ने लगाई है, ये हमारी रुदु। वाओ, तो अभी हमने बनाई है बहुत सारी रील, बहुत सारी नहीं, तीन बनाई है, जिसमें से एक तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, YouTube पे मैंने डाल चुकी है और आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी लग रही है, तो थैंक यू सो मच। और मैंने Instagram पे भी डाल दी, बाकी जो दो रील्स है वो मैं कल डालूंगी छोटी दिवाली पे। तो होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणेशा, और आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे ये व्लॉग शायद छोटी दिवाली पर कल आ जाए मेरे ख्याल से, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली।